नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र के इस स्टूडियो में मैं आज पुनः अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। रोज की तरह हमारे पास नए नए विद्वान लोग यहां पे आते हैं जो कि विभिन्न विषयों पे व्याख्यान देते हैं या फिर परिचर्चा करते हैं। इसी के अंतर्गत आज शिक्षा के क्षेत्र में एक रेनाउंड पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जो कि शिक्षा जगत में एक चमकते हुए सितारे के रूप में हैं। प्रोफेसर जेके जोशी साहब आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। जोशी साहब हेड एंड डीन रहे हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, आप बड़ा लंबा अनुभव आपका वहां रहा। उसके बाद आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हल्द्वानी में जो अवस्थित है। उसके साथ ही आप वर्तमान में जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है न्यू दिल्ली का, आप एनआरसी के आप 2011 से उसके मेंबर हैं, और आपका जो एजुकेशन के फील्ड में है अद्वितीय कार्य है। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो रेनाउंड टीचर के रूप में आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। सर मैं आपको पुनः स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि चूंकि ये हमारा यूसर विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप विज्ञान शिक्षा पे ही इस प्रकार से हमारे छात्रों को और हमारे अध्यापकों को संबोधित कीजिएगा, एक व्याख्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हम विज्ञान शिक्षा के महत्व को लोग कैसे समझें, उसको जो हमारी परिपाटी चली हुई है, जो विधियां हैं उन विधियों में पहले से लेकर अभी क्या क्या अंतर आए हैं, और क्या ऐसी व्यवस्थाएं विधियां हमारे अध्यापकगण उसको अपनाएं कि हमारे छात्र विज्ञान शिक्षा में पारंगत हो सकें, उसको आत्मसात कर सकें। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। जो जी सर धन्यवाद। मैं आभारी हूँ यूसर्क का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं विद्यार्थियों और विज्ञान के शिक्षकों के लिए अपने विचारों को उनके सम्मुख रखूं और कोशिश करूं कि विज्ञान को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे विज्ञान विषय के सीखने को रुचिकर बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। इस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूँगा कि एजुकेशन ऑफ साइंस, साइंस फॉर एजुकेशन, ये दोनों बातें हैं। हम विज्ञान विषय का शिक्षण भी करते हैं और जीवन के लिए विज्ञान का उपयोग करने की भी बात हम करते हैं। संभवतः विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध हमारे व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन के साथ है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारे थिंकिंग की बात हो, सोचने की बात हो, मनन करने की बात हो, चिंतन करने की बात हो, इन सब बातों में कहीं ना कहीं विज्ञान किसी न किसी रूप में सम्मिलित रहता है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस संदर्भ में जो अपना संबोधन बनाऊं उस संबोधन से विज्ञान के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और शिक्षकों को भी कुछ सहायता मिल पाएगी। यदि ऐसा हो पाएगा तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि जो विज्ञान नाम की बात है, विज्ञान है क्या? विज्ञान एक विषय तो है, परंपरागत रूप से माना जाता है कि विज्ञान भी अन्य विषयों की तरह एक विषय ही है, और यह गलत भी नहीं है।
विषय तो विज्ञान है ही, लेकिन विज्ञान केवल विषय ही नहीं है, विज्ञान जीवन को जीने की कला भी है। विज्ञान जीवन की समस्याओं का समाधान करने की भी एक तरकीब है, एक प्रणाली है, एक प्रयास है। अगर हम पिछले 200-300 साल का इतिहास देखें तो मानवता के विभिन्न समूहों ने अपने अपने तरीके से विज्ञान को या जीवन को समझने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ हम लोग मानते हैं कि हम सब लोग, वी ऑल पीपल, वी कम इन दिस प्लैनेट अर्थ बट वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी ग्रह में आते हैं और इस थोड़े से समय में हम अपने चारों ओर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में ये कोशिश चारों ओर का जो भौतिक जगत था उसको समझने की कोशिश थी, चारों ओर का जो पर्यावरण था उसमें जीव जंतु थे, उसमें जो वनस्पतियाँ थीं, उसमें जो पहाड़, नदी, नाले, समुद्र थे, ऊपर दिखता हुआ आसमान था, उसमें चमकते हुए तारे थे, इन सब को हम देख रहे थे हमारे पुरखे और वो उनको अपने अपने तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे। प्रारंभ में ये जो प्रयास हुए, ये प्रयास जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पुरखों ने किए जब यंत्र नहीं थे, इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं हाथों से, इन्हीं जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके माध्यम से जो भी हमने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, उसी के आधार पर हमने अपने चारों ओर को समझने की कोशिश की। और इसमें जो सबसे पहला प्रयास हुआ उसको हम नाम दे सकते हैं कि वो माइथोलॉजी थी। माइथोलॉजी के थ्रू हमने अपने चारों ओर को समझने की कोशिश की, चाहे वो बादलों की गर्जन हो, बिजली का चमकना हो, सूर्य का उदय हो, सूर्य का अस्त होना हो, आसमान का नीला होना हो, वहाँ सितारों का चमकना हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इन सब में हमने कुछ अलग अलग मानव समुदायों ने माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया और माइथोलॉजी के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। वो पूर्ण रूप से गलत था ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही था यह भी ठीक नहीं है, लेकिन उससे एक दिशा हमको मिली। कालांतर में हमने जो विभिन्न धर्म विकसित हुए उन धर्मों ने भी इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन्स हैं, जो आज के दिन जो हमको धर्म संप्रदाय मिलते हैं, उन्होंने अपनी अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को डेवलप किया, जो थियोलॉजी के रूप में, धर्मशास्त्र के रूप में विकसित हुए। प्रत्येक धर्म का अपना एक धर्मशास्त्र है, उसका अपना एक भगवान है, या कई बहु भगवानों वाली, बहु देवों वाली संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ भी हैं। बाद में जब मनुष्य को ये लगा कि हम अपने चारों ओर की चीज़ों को समझने के अलावा हमको अपने को भी समझना चाहिए, लर्निंग वंस ओन सेल्फ, सेल्फ लर्निंग, अपने को समझना, नोइंग वंस ओन सेल्फ, यहाँ पर हमने जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी शब्द कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लिया और कुछ इस किस्म की बात करने की कोशिश की कि हम कौन हैं, हम इस धरती में क्यों आए हैं, हमारा यहाँ आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो तीन बातें एक के साथ हुई हैं कि माइथोलॉजी, थियोलॉजी, साइंस जो बीच में आई, और फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। आज के दिन हम इन पूरे इस दौर से गुजरने के बाद जहाँ पर पहुँचे हैं, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो साइंस नाम का जो डिसिप्लिन था, जो विषय था, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उनके जो प्राप्त परिणाम थे, उससे हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, या यूं कहें इसको कि ह्यूमैनिटी कुड सक्सीड इन ट्रांसलेटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ साइंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी आप चारों ओर देख रहे हैं ये उसी साइंस का प्रयास है। हालांकि एक वो जो टेक्नोलॉजी थी जो साइंस से पहले की थी वो भी हमारे पास थी, हमारे पुरखों के पास थी, कि चाहे कुएं से पानी निकालना हो, रहट का उपयोग करना हो, चाहे वो नदी में से पक्के पानी से चक्की को चलाना हो, चाहे वो चाकू और कैंची बनाना हो, इस किस्म की जो तकनीकें थीं ये साइंस से पहले की थीं और उसका उपयोग भी हुआ, ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं हुआ, और उसके उपयोग से जीवन सरल और सुखमय हो सका। लेकिन साइंस ने, जो आज के दिन का जो साइंस है, उसमें जो विकास हुआ, उसमें जो
डेवलपमेंट हुए, उन्होंने हमको इस लायक बना दिया कि हम उसके आधार पर अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। और ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज हम यहाँ पर बैठ के आपको संबोधित कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, और अब तो यह भी संभव हो गया है कि हम इस बातचीत के साथ आपके समूह जब आए तो आप हमसे प्रश्न पूछें, हम उनका उत्तर भी दे सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड साइंस एजुकेशन कुछ एक ऐसी बात है जो आज से पहले नहीं थी। मैं जिस उम्र में हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जब साइंस पढ़ी या मुझे पढ़ाई गई तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये जो जनरेशन आप जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, परहैप्स मोस्ट प्रोबेबली यू आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स जिनको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड साइंस एजुकेशन की सुविधा प्राप्त हुई है। अब देखिए, विज्ञान को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो पद हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हम नोइंग होती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ये है कि यदि मैं आपके सामने होता तो मैं आपसे पूछता कि नोइंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो आप अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता आपकी रुचि जिसमें है, जो आप समस्या है उसका समाधान। ये सब बातें ठीक हैं, गलत नहीं है कि आप कितना मोटिवेटेड हैं, आप कितना इंस्पायर्ड हैं, आपकी समस्या क्या है, आप क्या समझना चाहते हैं, इसके लिए नोइंग होती है, ये बात ठीक है। लेकिन नोइंग के लिए सबसे प्रमुख शर्त क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, नोइंग के लिए जो प्रमुख और प्रमुख शर्त है वो है लिविंग। यदि लिविंग हो रही होगी तभी नोइंग हो रही होगी, ये आप समझते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जो ये नोइंग और लिविंग और अन्य जो शब्द हैं यदि हमारे बच्चों के लिए जो है आप व्हाइट बोर्ड में भी लिख दें तो वो उचित रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा जी। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो नोइंग की प्रोसेस होती है जो किसी हर विषय के लिए आवश्यकता होती है, विज्ञान के लिए भी है। और कौन जान सकेगा, आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप उत्तर देंगे कि जो प्रयास करेगा, जो उसके लिए प्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा, जिसमें उसकी रुचि होगी, जो उसमें ध्यान देगा, अटेंशन पे करेगा, उसकी होगी। तो हम जो टीचिंग में अपनी बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये नोइंग होती है इस वजह से। इसको यदि मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो कौन सीखेगा का उत्तर इस प्रकार से मिलता है, जो अटेंशन पे करेगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसमें मोटिवेटेड होगा। उल्टा अगर हम करें, जो मोटिवेटेड होगा वो तभी होगा जब वो उसमें इंटरेस्टेड होगा। इंटरेस्टेड अगर वो होगा तो अटेंशन पे करेगा। ये साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग है, इसके आधार पर होती है। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सीखते हैं, कोई हमारा उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीखना होता है। लेकिन एक बात अगर हम फंडामेंटली जानने की कोशिश करें कि नोइंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अत्यधिक आवश्यक कौन सी चीज़ है, जिसके बगैर नोइंग हो ही नहीं सकती है, और अगर वो हो रहा होता है तो नोइंग हो रही होती है, चाहे हम उसको हमको पता चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है उन लोगों का कहना यह है कि नोइंग सीधा जुड़ी हुई है लिविंग के साथ। यदि लिविंग हो रही है, आई एम लिविंग, मैं जीवित हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और सीखने की जो प्रक्रिया है वो लिविंग के साथ सीधा जुड़ी हुई है। सीखेगा कौन? जो लाइफ जिसमें है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाता है फिर सीखना भी ख़त्म हो जाता है, और ये बात यहाँ पर तय हुई। अब ये जो नोइंग है, ये नोइंग क्यों होती है? ये हम ये चाहते हैं कि हम अगर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं, तो समझने के लिए नोइंग आवश्यक शर्त है। हम जब किसी चीज़ को जानेंगे तभी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। या यूँ समझिए कि हम समझने के लिए पहली जो शर्त है वो है कि उस चीज़ को जानना। हम किसी चीज़ को जाने बगैर उसको नहीं समझ सकते हैं। तो स्टेप में क्या बना कि नोइंग के बाद अंडरस्टैंडिंग आई। और अंडरस्टैंडिंग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? हम किसी चीज़ को जानकर उसको जब समझ लेते हैं तो हम क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम उसके बाद उसका डूइंग के पार्ट में आते हैं, या उसका उपयोग करने के पार्ट में आते हैं। यानी कि यदि हम किसी चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो
तो हमको उसकी समझ होनी चाहिए। हमको उसकी समझ तब होगी जब हम उसको जान रहे होंगे। तो ये एक स्टेप है जो सामान्य तरीके से है। अब अगर विज्ञान के संदर्भ में बात करें हम कि हम कुछ तथ्यों को, कुछ सूचनाओं को, कुछ इन्फॉर्मेशंस को, कुछ फैक्ट्स को पकड़ते हैं जो हमको पुस्तकों से मिलते हैं, अध्यापकों द्वारा बताए जाते हैं, या जीवन के जो सामान्य हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पर हम उन तथ्यों और सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में हम जिसको नॉलेज कहते हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान के अंदर सर्वप्रथम यही चीज़ें आती हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं, और उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स आते हैं। आप समझते हैं कि कंसेप्ट, एक दूध एक कंसेप्ट है, गाय एक कंसेप्ट है, युवावस्था एक कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट्स के बाद धीरे धीरे हम जब आगे की ओर को बढ़ते हैं तो हम उन कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को देखते हैं, संबंधों को जब देख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, हम कुछ रूल्स बनाते हैं, हम कुछ लॉज को जानने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, सामान्यकरण करते हैं, और हम तब सिद्धांतों तक पहुंचते हैं जिनको हम थ्योरीज कहते हैं। यानी कि यदि हम ये जानने की कोशिश करें, ये पता लगाने की कोशिश करें कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि जब हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत, तो ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में कौन सी चीज़ें समाविष्ट रहती हैं? इसमें कुछ तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरलाइजेशंस होते हैं, और अल्टीमेटली थ्योरीज होती हैं। मैं इसको अगर आपको ये इसको समझाने की कोशिश करूं तो इसको एक समझने का आसान सा तरीका ये है कि अंग्रेजी भाषा में जो शब्द W और H से शुरू होते हैं, अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास अगर डिक्शनरी में आप WH के बाद के शब्दों को देखें अंग्रेजी की, तो आपको WHAT मिलता है, और WHAT के बाद WHEN, WHERE, WHO, ये जो W है, these are several W's, ये कई W's हैं जो हमारे पास होते हैं, और अल्टीमेटली एक W जो ऊपर होता है वो होता है WHY, इसके नीचे एक H होता है वो होता है HOW। अब देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को समझने की बात कर रहे होते हैं, जानने की बात कर रहे होते हैं, तो हम इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं कि ये जो भी चीज़ है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कब होती है, कहाँ होती है, किसके द्वारा होती है, और अल्टीमेट जो बात है वो कि क्यों होती है, कैसे होती है, बीच में आता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि हम किसी सिद्धांत की बात करें तो वो किसी एक प्रकरण विशेष के संदर्भ में, किसी एक विशेष संदर्भ में इन सेवरल W's और 1H का उत्तर दे रहा होता है। तो अब अगर हम विज्ञान के संदर्भ में इसको लगाने की कोशिश करें तो ये आता है कि WHAT ऑफ साइंस, साइंस है क्या, साइंस कब होता है, कहाँ होता है, किसके द्वारा, किसके वजह से होता है, कैसे होता है, और क्यों होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर जब हम दे रहे होते हैं तो हम एक तरीके से साइंस ऑफ साइंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने विज्ञान के संदर्भ में बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन कुछ अभी भी हमको ऐसा लगता है कि वी कुड नॉट येट डेवलप साइंस ऑफ साइंसेस। हमने विज्ञान का विज्ञान विकसित अभी तक नहीं कर पाए हैं हम। और एक तरीके से जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए कि आपको जो कुछ भी पढ़ने को उस विषय में मिलता है वो क्या होता है, वो उस विषय के विकास का इतिहास होता है कि ये सर्वप्रथम इस भौतिक शास्त्री ने ये किया, उन्होंने ये पता लगाया। प्रारंभ में ये डिस्टिंक्शंस, ये भेद इस प्रकार के नहीं थे। धीरे धीरे जब ये कंपार्टमेंट्स बनने शुरू हुए, जब ये कि ये केमिस्ट्री कहलाएगी, ये जूलॉजी कहलाएगी, ये बॉटनी कहलाएगी, ये सब शुरू हुआ, तो उससे ये जो खाने बने, ये जो क्लासेस बनी, ये जो क्लासिफिकेशंस हुए, इससे चीज़ों को समझने में आसानी हुई। अब मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी चीज़ को सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो सीखने वाला और सिखाने वाले हैं,
शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक का काम चीजों को सरल बनाना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, चीजों को सरल बनाना बहुत कठिन काम होता है, और यही वजह है कि इस कठिनाई की वजह से कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि विज्ञान की शिक्षा को ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा कठिन काम है। बाकी जो विषय हैं संभवतः उनको प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। अंतर केवल यह है कि चीज़ों को सरल बना के विद्यार्थियों के समक्ष पेश करना। मैं दो बातें कहना चाहूँगा विशेष रूप से शिक्षकों के बाद से के लिए जो इस भाषण को सुन रहे हैं। देखिए, दो मूल बातें हैं, दो मुख्य बातें हैं या बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक बात तो ये हो रही है कि इसको आप ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं इसको हिंदी अंग्रेजी में कहने की कोशिश करूंगा कि छोटा सा अंग्रेजी का वाक्य है, चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल दे रन होम। मतलब बच्चे चलकर विद्यालय आते हैं और विद्यालय से दौड़कर घर को जाते हैं। आपने देखा होगा कि कैसा ही विद्यालय हो, चाहे वो 5 सितारा स्तर का विद्यालय हो या झोपड़पट्टियों का विद्यालय हो, जब घंटी बजती है तो विद्यार्थी दौड़ के घर को जाते हैं, और जब स्कूल को आना होता है तब विद्यार्थी दौड़ कर नहीं आते, वो चल कर आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी उतने उत्सुक नहीं रहते जितना विद्यालय से बाहर निकलने में होते हैं। आज के दिन महानगरों में जहाँ बस वगैरह हो गई है वहाँ दौड़ना पड़ता है, वरना बस छूट जाएगी, वो दौड़ना दूसरा है। लेकिन एक ललक, एक उत्साह कि मुझको स्कूल समय पर पहुँचना है इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, ये बात एकदम से मिलती नहीं है। और एक तरीके से यूनिवर्सल लॉ है कि चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल एंड दे रन होम, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, ये बात अध्यापक से अभिभावक पूछ रहा है कि भैया ये क्या बात है कि आपके स्कूल में हमने अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाया, ये बहुत मोटिवेटेड नहीं है, बल्कि जब छुट्टी डिक्लेयर होती है किसी वजह से छुट्टी की बात आती है तो इसको बड़ी प्रसन्नता होती है। हमने एक छोटा सा शोध कार्य करके देखा था ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, हमने विद्यार्थियों से, छोटे विद्यार्थियों का, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों से पूछा था कि आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे बुरा क्या लगता है। मैं आपको बताऊं उत्तर, इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने एम्पिरिकल एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए किया। बच्चों को खेलना सबसे अच्छा लगता है और बच्चों को पढ़ना सबसे बुरा लगता है, ये यूनिवर्सल है। अब ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि हमने बच्चे की इस बात को ठीक तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। बच्चा अपने टीचर से, स्टूडेंट अपने टीचर से ये पूछ रहा है, व्हाई यू इंसिस्ट, आप क्यों जिद करते हैं, व्हाई यू इंसिस्ट दैट आई शुड लर्न द वे यू टीच मी, आप क्यों जिद करते हैं कि मैं वैसे सीखूं जैसा आप मुझको पढ़ाते हैं, व्हाई डोंट यू टीच मी द वे आई लर्न, आप मुझको उस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाते जिस तरीके से मैं सीखता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे, हर बच्चे की अपने एक स्टाइल है लर्निंग का। इस बीच जो न्यूरोसाइंसेस के फील्ड में काम हुआ है उससे ये पता चला है कि बच्चे के सीखने की, ये तो बात हमको बहुत पहले से मालूम थी कि बच्चों के सीखने की गति में अंतर होता है, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ को कुछ सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी दूसरे को दूसरा सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हर एक के लिए एक ही साइज को फिट नहीं कर सकते, वो अलग अलग है। अब हमने धीरे धीरे ये पता लगा लिया और हम इस बात को मानने भी लग गए कि हम पुराने ज़माने में हम कहते थे अभिभावक और टीचर कि बच्चे गलत तरीके से सोचते हैं। बच्चे गलत तरीके से नहीं सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, दे थिंक डिफरेंटली, दिस इज द ओनली डिफरेंस। बच्चे सोचते हैं, उनका सोचना और एक अभिभावक का, अध्यापक का जो प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में है, सीनियर है, उसका सोचने का स्टाइल फर्क होगा। तो अब हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। अब सीखने के बारे में ये बात की तो जा सकती है लेकिन इतने कम समय में, इतने कम लेक्चर में ये बताना बड़ा मुश्किल होता होगा कि बच्चे कब सीखते हैं। लेकिन बच्चे कब नहीं सीखते हैं इसका उत्तर 2-3 मिनट में बताया जा सकता है। देखिए, बच्चे कब नहीं सीखते हैं, जहां भय का वातावरण होगा, जहां फियर होगा। न्यूरोसाइंसेस के फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हुए, जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनका जो इम्प्लीकेशंस आए, उससे हमको ये पता चला कि हमारी ब्रेन में जब हम भयभीत होते हैं, वो भय किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक प्रताड़ना का हो, मानसिक
प्रताड़ना का हो, इंसल्ट होने का हो, किसी भी तरीके का हो, वो अगर भय का वातावरण होगा तो सीखना संभव नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ी साफ सुथरी बात है कि यदि हम चाहते हैं बच्चा सीखे तो हम उसको भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। और यही वजह है कि हमने पिछले कुछ दशकों से ये सरकार के स्तर पर भी, बड़े लेवल पर भी ये बातें आई हैं कि विद्यालय को भयमुक्त रखा जाना चाहिए, जिससे हम बच्चों के बारे में ये बात स्पष्ट कर सकें कि हमने बच्चों को एक भय रहित वातावरण दे दिया है और अब बच्चे बगैर भय के सीख सकेंगे। इस संदर्भ में एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य विज्ञान के ज्ञान को प्रदान करना तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सबसे उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करें। अब ये जो साइंटिफिक टेम्पर है इस बारे में हम अलग से बात करेंगे कि हम विद्यार्थियों को साइंटिफिक टेम्पर के इनकल्केशन के लिए कैसे प्रेरित करें, कक्षा में क्या प्रयास किए जाएं जिससे बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर विकसित हो सके।